नमस्कार, सांझ टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सनारा लेके हाजिर हां एक खास खबर। हुशियारपुर के हाजीपुर च प्यो धी के रिश्ते शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जिथे एक नाबालिग धी नाल उसके शराबी प्यो वालों ही कई दिनों तक जबर जनाह किया जा रहा है। जदों पुलिस ने इसकी शिकायत मिली तो पुलिस ने आरोपी प्यो को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। एक पासे जिथे पूरा देश हैदराबाद की महिला डॉक्टर नाल दरिंदगी करन वाले चारों मुलजमान का एनकाउंटर होने ते जश्न मना रही है, उत्थे ही हुशियारपुर के हाजीपुर चो प्यो धी दे रिश्ते नूं शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। इत्थों दे एक पिंड दी नाबालग धी नाल उसका शराबी प्यो कई दिनों तक जबर जनाह करदा रहा। मामला पुलिस तक पहुंचने तो बाद पिता खिलाफ थाना हाजीपुर च पीड़िता की शिकायत ते केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत विच दस्या है कि वह नौवीं जमात की विद्यार्थिनी है। उसके पिता का उसकी मां के नाल तलाक हो चुका है। उसकी मां वख रहिंदी है ते वह अपने पिता के कोल ही रहिंदी है। उसका पिता रोजाना शाम को शराब पी के आता है। पिछले 15 दिनों तो वह उस नाल जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा है। ये साढ़े को पांच बार उन्नी सरकारी स्कूल बदना विखे बाल विकास वाले आए थे। उन्होंने टीचर ने गलबात हुई तो कोई लड़की हैगी उन्हें अपने पिता के इल्जाम लगाया भी मेरे ना मेरा पिता जो है वो जबर जनाह करता है। जिसके संबंध में एस आई पुष्पा देवी की मौके पर पार्टी ले गए है तो उन्होंने उसे बयान लिखे है कि बयान आधार से उसके खिलाफ 376 IPC तहत तो पोस्को एक्ट तहत पर्चा दर्ज। जिथे कुड़ियां अज अपने घरां तो बाहर सुरक्षित नहीं हैं, उत्थे कुड़ियां अपने घरां च वी डर दे साए च जीण लई मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट सांझ टीवी। नवीं ताज़ा खबरां सब तो पहला वेखण लई साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो। सांझ टीवी ते सिर्फ खबरां जानण दे लई नहीं, सभ्याचारक प्रोग्राम, खास मुलाकात दे विच सोशल इशू, पोलिटिकल इशू, इन्हां सारे इशूज नूं जानण दे लई सबसक्राइब करो अपना यूट्यूब चैनल सांझ टीवी।